राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। 14 जनवरी को दिल्ली के गुरुग्राम सेक्टर 50 से पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव बरामद किया है। गुरुग्राम के एक किराए के घर में बरामद शव के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार मृत युवती असम के उदालगुड़ी की रहने वाली थी। हालांकि युवती के परिजनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव और समाज सेवी कृताश्री भुया नरूला ने गुरुवार को युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कृताश्री भुया नरूला, बेसिकली आई एम फ्रॉम असम, आई एम बेस्ड इन दिल्ली। I'm Delhi Police Northeast Representative under Spooner, Special Police Unit for Northeast Region. मुझे 18 तारीख की सुबह एक मैसेज मिला सेक्टर 50 गुड़गांव पुलिस स्टेशन से कि 14 तारीख की सुबह उनको एक हैंग बॉडी मिली है, लड़की की बॉडी मिली है सेक्टर 46 में मिली है उन लोगों को, और अभी तक कोई रिलेटिव ने क्लेम नहीं करा है उस बॉडी को। तो मैं इमीडिएट, जैसे कि मुझे आधार वगैरह भेजा गया और डॉक्यूमेंट्स भेजा गया, मैंने इमीडिएटली जो हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की एसपी सर से कोऑर्डिनेट करा, और सर ने इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट करा दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करा। सर ने जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करा तब पता चला कि ऐसा कोई एड्रेस में कोई रहते भी नहीं है और रिलेटिव का भी कुछ नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने सर को रिक्वेस्ट करा कि वो एक रिपोर्ट भेज दे, क्योंकि पीएम करवाना बहुत ही जरूरी है पोस्टमार्टम करवाना, और बॉडी ऑलरेडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया था। तो सर ने जब रिपोर्ट भेजा तब मैं कल गई स्पूनर टीम के साथ सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में 174 सीआरपीसी प्रोसेस के लिए। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड एंड आई साइन द पेपर्स। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, उनके बाद पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने बॉडी मुझे सौंप दिया गया। उसके बाद जब मैं मुझे बॉडी मिला, मैं स्पूनर टीम की सहायता से जाके लास्ट राइट्स एंड क्रिमिनेशन जो है मैं करके आई कल, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम फादर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है हमें पता चल जाएगा।